नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के थ्रू एक वोल्टेज पावर सप्लाई बनाते हैं, 15 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाएंगे, जिसमें आज हम यूज़ करेंगे एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जिसका नाम है LM317। तो चलिए हम बात करते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये आईसी है LM317। ठीक है, इस आईसी के थ्रू आज हम एक रेगुलेटर वोल्टेज पावर सप्लाई को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आईसी हमारी दिखती कैसी है, इसको आप देखेंगे तो ये सामने से ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक होल रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा LM317 और यहाँ पे तीन पिन रहते हैं, पिन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, तो पिन नंबर 1, 2, 3। सो इसमें पिन नंबर टू जो होगा हमारा वो आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। पिन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा वो वी इन हो जाएगा, और पिन नंबर 1 इज एडजस्टेबल पिन, पिन नंबर 1। ओके, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है इस आईसी का। ओके, तो चलिए आज हम इससे बात करेंगे, एक 15 वोल्ट की एक पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं। तो 15 वोल्ट पावर सप्लाई डिज़ाइन करने के लिए तो देखिए हमें क्या करना होगा। इस 15 वोल्ट की पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने के लिए हम इस आईसी को लगाएंगे, ये आईसी ऐसे रहेगी, दिस इज माय आईसी। ओके, इसमें ये वी इन हो जाएगा, वी इन, वी आउट और वी एडजस्टेबल। ओके, दिस इज द पिन, इसको हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज पिन नंबर 3 एज पर दिस डायग्राम, पिन नंबर 3, पिन नंबर 2 इज द आउटपुट, सो दिस इज द पिन नंबर 2 एंड दिस इज द एडजस्टेबल, सो दिस इज द पिन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा हो गया आईसी LM317। ओके, बाकी जो आगे के जो नेम होते हैं वो डिफरेंट चीज़ होते हैं, एक रेगुलेशन के लिए भी यूज़ होता है और एक आप मिल गेट्स में अगर आईसी यूज़ करना चाहते हैं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, उसके लिए वो वैल्यू कोड देखना पड़ता है, वो आप डेटा से देख करके कर सकते हैं, वो कोड के हिसाब से ही इस आईसी का प्राइस भी चेंज होता रहता है। ठीक है, हो सकता है मिल गेट्स का आपने आईसी परचेस किया तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, 500-600 रुपीज़ पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आईसी नॉर्मली 25 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया, अभी हमको इसको एडजस्टेबल बनाना है, एक 15 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ कर लेंगे, फीडबैक रेजिस्टर। ओके, सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2। ओके, एंड दिस पोर्शन विल पुट एज ए ग्राउंड एंड दिस इज द वी इन, यहाँ पे हम एक सप्लाई देंगे वी इन। ये सप्लाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई होगी, वी इन डीसी। ओके, और इसका वोल्टेज रहेगा 7 वोल्ट टू नॉट 7, बिकॉज यहाँ पे 15 वोल्ट चाहिए हमको, तो मिनिमम इसको आप 20 वोल्ट टू 28 वोल्ट तक VDC प्रोवाइड करिए, कम नहीं देना है, कम देंगे तो 15 वोल्ट नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, बिकॉज ये कोई इंटरनल तो सोर्स जनरेट कर नहीं रहा है, इसलिए इनपुट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आउटपुट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे और यहाँ पर हम एक लगाएंगे एक कैपेसिटर, स्मॉल कैपेसिटर। ओके, स्मॉल कैपेसिटर, इसकी वैल्यू होगी 0.01 माइक्रो फैराडे। ठीक है, एक कैपेसिटर लगाएंगे, जस्ट ये एक नॉइस सप्रेस करने के लिए है, हाई फ्रिक्वेंसी का कुछ अगर नॉइस आता है तो उसको सप्रेस करने के लिए लगा रहे हैं। सेम ये आउटपुट में हम यहाँ पे एक सेम कैपेसिटर लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया, तो ये भी हो जाएगा 0.01 माइक्रो फैराडे। ठीक है, और ये हमारा एक आउटपुट रेडी हो गया, दिस आउटपुट इज द
रेगुलेटेड आउटपुट। अभी इसका वोल्टेज हमको कैसे डिसाइड करना है, इस वोल्टेज को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हम जो R1 इज इक्वल टू 240 ओम, अप्रॉक्सीमेटली 240 ओम चूज करेंगे। R2 जो है हम चूज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलो ओम चूज करेंगे R1 R2। तो हमको यहाँ पर मिलेगा आउटपुट वोल्टेज 15 VDC। इस सप्लाई को बनाने के लिए, 15 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए हमको ये वैल्यू चूज करना होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू। अभी ये वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, ये हो गया मेरा वी आउट नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव, ओके। और इसको हम रेफरेंस के लिए इसको हम ग्राउंड दे सकते हैं, दिस इज आवर रेफरेंस, ओके। तो ये पावर सप्लाई हमारी तैयार हो गई। अभी इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू ही कैलकुलेशन करके हम इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको वोल्टेज एडजस्टेबल आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वी आउट इज इक्वल टू 1.25 ब्रैकेट 1 प्लस R2 बाई R1 ओके प्लस I एडजस्टेबल करंट मल्टीप्लाई बाय R2 इज दिस रेजिस्टेंस। व्हाट इज द I एडजस्टेबल इज दिस करंट, जो यहां पे एडजस्टेबल पॉइंट है उसमें से क्या करंट फ्लो हो रही है उसको हम बोलेंगे I एडजस्टेबल करंट, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको 15 वोल्ट बना सकते हैं, चाहिए तो 5 वोल्ट बनाना है तो 5 वोल्ट भी बना सकते हैं, हमको ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे 15 वोल्ट के लिए, कैसे हमने ये डिसाइड किया ये वोल्ट रेजिस्टेंस चाहिए, हमने ये 240 ओम यहाँ पे डिसाइड कर लिया, 240 ओम नीचे वाला रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे हमने इसको 2.5 डिसाइड कर लिया, 2.7 किलो ओम। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15.3 वोल्ट आएगा ये वैल्यू। ये आई एडजस्टेबल, इस पोर्शन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एडजस्टेबल की जो वैल्यू है अगर आप डेटा शीट देखेंगे तो ये वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर का अगर हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली निल आएगा, कुछ वोल्टेज नहीं आएगा, पॉइंट्स में वोल्टेज आएगा। तो इस पोर्शन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये पोर्शन जो है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया तो हमको यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ में पुट करके हम ये वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह से आप एक इस आईसी के थ्रू, एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के थ्रू आप एक कांस्टेंट वोल्टेज मीन्स 15 वोल्ट की एक पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। नॉट इवन 15 वोल्ट, आप 5 वोल्ट की भी डिज़ाइन करते हैं, 6 वोल्ट भी डिज़ाइन करते हैं, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, एनी वोल्टेज यू कैन डिज़ाइन, ओके। आप मैक्सिमम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं 30 वोल्ट तक आप इसको डिज़ाइन करिए, ठीक है, मैक्सिमम 30 वोल्ट तक डिज़ाइन करिए, बिकॉज ज़्यादा तक डिज़ाइन करिए तो आईसी के ख़राब होने के चांसेस है, बिकॉज ये आईसी मैक्सिमम 40 वोल्ट तक जा सकती है। सो क्यों हम इतना ज़्यादा डिज़ाइन करना है, सो हमको इसको कम में डिज़ाइन, इसको मैक्सिमम वैसे 37 तक लेके जा सकते हैं, 37 वोल्ट तक इसको लेके जा सकते हैं, 37 से ज़्यादा के लिए, लेकिन आपको इनपुट यहाँ पे 40 वोल्ट देना पड़ेगा, उस केस में आपको इनपुट 40 वोल्ट डीसी यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तब आप यहाँ पे 37 लेंगे, बिकॉज इसके अंदर कुछ ड्रॉप रहेगा, ठीक है, वो आईसी का कैलकुलेशन है, बिकॉज ये, और इसका जो मिनिमम इस आईसी का एक ड्रॉबैक क्या है कि आप इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आईसी को आप, इस आईसी से आउटपुट आप जीरो वोल्ट नहीं, इसका मिनिमम आउटपुट 1.25 आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, अगर आपने ये रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया, R2 को अगर आप जीरो कर दीजिए, सी यहाँ पे देखिए, R2 को अगर मैं यहाँ जीरो कर दूँ, अगर मैं R2 को जीरो कर दूँ तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो गया, दिस पोर्शन बिकम जीरो, एंड इसको जीरो कर दिया तो ये पोर्शन बिकम जीरो, दिस पोर्शन R2 बाई R1 बिकम जीरो। सो बचेगा क्या, 1.25 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट। सो मिनिमम वोल्टेज कितना आएगा मेरे को, 1.25 वोल्ट। अगर मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट कर दिया,
ओके, और इसको भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, इसको जस्ट शॉर्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को वोल्टेज कितना आएगा, 1.25 वोल्ट ही आएगा। बट मैं ज़ीरो नहीं स्टार्ट कर सकता। ज़ीरो से बनाने के लिए मैं आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको ज़ीरो से भी बना के आपको दिखाऊंगा कैसे इसको ज़ीरो से स्टार्ट, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा मैं। ओके, तो मुझे आशा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो आपको मैं ऐसे इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, पावर सप्लाई से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।